और 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। दोनों किडनी फेल है 15 साल से और सरवाइव कर रहे हैं बिना दवा के। तुम जागो और देखो, जागोगे सब दिखाई पड़ने लगेगा। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा समझ आने लगेगा, जब समझ आने लगेगा मजा आने लगेगा, जब मजा आने लगेगा पता है क्या घटेगा, बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो, सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैम कहां तुम सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। जागना ही है, बस जागना ही है। जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण शब्द है जागना, जीवन का एक महत्वपूर्ण शब्द है जागना। भागना नहीं है, जागना है। मथुरा में एक वृंदावन में संत जी है, प्रेमानंद महाराज जी, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी। 13 साल की उम्र से घर छोड़ दिए थे, दोनों किडनी फेल है 15 साल से, दोनों किडनी फेल है और सर्वाइव कर रहे हैं बिना दवा के। ध्यान साधना, आज आप टाइप करिएगा YouTube पे प्रेमानंद महाराज, कहे जब मैं 11 साल का था तो मुझे एहसास हुआ कि यार एक दिन तो अम्मा मर जाएंगी, एक दिन पिताजी भी मर जाएंगे, तो यहाँ तो कोई कभी भी मर सकता है, तो जाने वाला जगत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा आदमी मिले जो परमानेंट मेरे साथ रहे। और 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। जागना, ये जागना ही है। जिस व्यक्ति के अंदर जागृति आ गई, बस यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। कितने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर 100 लोग भी जाग जाते हैं तो बहुत बहुत कल्याण होगा समाज का, देश का, राष्ट्र का, दुनिया का, बहुत कल्याण होगा। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो। तुम कहोगे मैं तो जागा हूं, अरे ये तो आंख खुलना जागना नहीं है। तुम जागो और देखो, ये न्यूटन का चौथा लॉ है। जागो और देखो, और बस यही का ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा। और जैसे ही ये करोगे वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, माँ ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएस हो गए, और कल तुम आईएस हो गए और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहे भैया बता दिए होते हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो 2 बेटी हैं। हाँ, उन्होंने कहा 2 है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो, राजा महाराजा तो 2-3 करते ही है भैया। देखो, देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी, सिंपल। कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है,
जैसे ही तुम समझने लगोगे, पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। ये तुम उलझे हो, ये कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं। किसी आईएएस ऑफिसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है तो वो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला। जी जी साहब, मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा, तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम्हारी उपलब्धि बढ़ने लगेगी। स्टूडेंट है आईएएस, तो जब उसका आईएएस का इंटरव्यू आया, समय आया, तो उसकी बुआ ने अपने पैतृक मकान में क्लेम कर दिया। मेंस क्वालिफाई कर लिया उसने। जब मेंस क्वालिफाई कर लिया तो उसकी बुआ ने जो पैतृक मकान था जिसमें वो लोग रहते थे, पिताजी लोग, उसका परिवार रहता था, उसमें क्लेम कर दिया कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। सोचो, लड़का इंटरव्यू देने जा रहा, सगी बुआ पैतृक संपत्ति में क्लेम कर रही है कि इसमें आधा हिस्सा हमारा है। कभी नहीं कहा, अमेरिका में रहती है। सर हमको बताया कि सर घर में तो बवाल हो गया। हमने कहा तू एक काम कर, छोड़ दे मकान तुरंत। पापा से कहते तो मकान ही छोड़ दे, किराया ले ले बेटा, छोड़ दे। अरे कहा सर करोड़ों, अरे मैंने कहा भाड़ में गए तू, अरबों का आदमी करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। तुम सब अरबों रुपए के लोग, मोदी जी लड़े कभी अपने परिवार मकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए? छोड़ दिए, लेकिन दूसरी तरफ लड़ते रहे। तुम में से बहुत लोगों को चिंता होगी कि हमारे खेत में पेड़ लगा था और इस पटीदार हमारे काट लिए होंगे। तुमको तो पूरा जंगल काटना है ना। इसलिए तो कहते हैं राम और कृष्ण की फोटो लगाओ सामने। तुरंत नहीं लड़ना है, पहले शक्ति का विस्तार करना है। तो जो भगवान कृष्ण खुद निकल के आ सकते हैं जेल से, वो मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला, शक्ति का विस्तार किया बाहर निकलकर, फिर युद्ध किया। तुम आज ही करना चाहते हो, हवा चल जाए हिल रहे हो, आंधी आ जाए गिर पड़ो, किसी शादी में गए किसी ने पानी नहीं पूछा, टेंशन में हो तुम। बड़की मामी की बिटिया शादी में गए थे और एक लड्डू कोई पूछा नहीं, हमें लड्डू रखे थे खा लेते उठा के। उल्टी सीधी बातों में जिंदगी को उलझा के रखे, उल्टी सीधी बात। ये बड़ी बुआ आई थी, जाते एक रुपया भी मेरे हाथ पे जाते जाते नहीं रखी, सिर्फ वाहियात पने की बातें। कौन हो तुम, क्यों तुम्हारे हाथ पर रुपए रखे? भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति। इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को, भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता। भिखारियों को दान दिया जाता है, जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान, जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा, पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है। फर्क है,
बाहर ताव में दिया जा रहा है, ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको, काहे मरे जा रहे हो। क्यों मरे जा रहे हो? अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। कभी किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाओ, देखो उसे, यार इसको किसी ने कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहा यार, इसको किसी ने होली में मिठाई नहीं भिजवाई यार, मुस्कुराओगे तुम? अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कह दो मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं नहीं मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना। तुम प्रयोग नहीं करते। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तुम भी करो, कौन रोक रहा है? और तुम तो गांधी जी को गाली दोगे, गांधी जी, गांधी जी भैया बहुत गंदे आदमी थे। अच्छा, तुम्हारा आम चुराए थे? नहीं नहीं भैया, जागो भारत, जागो, जागोगे सब दिखाई पड़ने लगेगा। जब सब दिखाई पड़ने लगेगा समझ आने लगेगा, जब समझ आने लगेगा मजा आने लगेगा, जब मजा आने लगेगा डिस्ट्रैक्शन खत्म। अब तुम किसी शादी में जाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम कोने में खड़े रहोगे, एक मिठाई खाए, खाना खाए, चुपचाप नमस्ते किए चले गए, घर पे आके बैठ के पढ़ोगे। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो रात भर ऐसे कॉपी में गोदागादी करोगे। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। जॉइन आवर न्यू ऑफलाइन बैच फॉर एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्रीकम मेंस एट इकरा आईएएस कानपुर, स्टार्ट्स फ्रॉम 4th मार्च। यू कैन आल्सो जॉइन आवर न्यू ऑनलाइन बैच एट ikraiis.com। और पढ़ो जरूर, ऐसे पढ़ो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? ऐसे पढ़ो यार, नाच नाच के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, सोचो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, मन खाली। तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है, और उलझा हुआ दिमाग में फोटो नहीं बनती। पानी में पत्थर मारो, कंकड़, लहरें उठ रही है, उसमें तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। देखो कभी बाल्टी में पानी भरो और हिला दो बाल्टी के पानी को, और फिर ऐसे देखो, तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। वही हाल तुम्हारे मन का है, लहरें उठ रही, लहरें कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी, भगवान भगवान मेरा पति कब आएगा, भगवान भगवान मैं कब जाऊंगा लास वेगास, भगवान मैं कब अय्याशी करूंगा, भगवान सब करे ले रहे, भगवान सब लूटे ले रहे, सब भागे जा रहे, भगवान और इन परिस्थिति में तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कभी नहीं घुसेगी। उसका फायदा कौन उठाएगा? कोई ना कोई तो उठाएगा ही, तो लोग दिल्ली से ऐड करेंगे, तेरी की ऐड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। तो तुम बोले ये बात तो है यार, दिल्ली चले तो कुछ मजा आए। अब तुमने इन लहरों को शांत किया नहीं और तुम दिल्ली पहुंच गए, अब उन्होंने तो अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन साल भर बाद फिर तुम खड़े हो ऐसे, मजा नहीं आया।
तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो, कब तक? बाहर से सुंदर लग रहे हो, बाहर से, अंदर लाओ अंदर। ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही, इनको खत्म करो। इसीलिए इस देश में आश्रम व्यवस्था थी, चप्पल पहनोगे, एक तरह का कपड़ा पहनोगे, बाल शेव करा के रखोगे, सन्यासी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम क्यों क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो? तुम सन्यासी, तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है, तुम सन्यासी बन जाओ। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो 10 किलोमीटर के रेंज में, अगर तुम्हारा काम है साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए, इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह, तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ, तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 2-1500 रुपए, 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैंपू का पैसा बच गया तुम्हारे, प्राणायाम करो चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा तुम्हारा, लॉरल क्रीम प्रीम का पैसा बच जाएगा, ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। सरलता से रहो। अब तुम्हारा दोस्त ठेकेदार है, बुलेट पे चल रहा है, उसे चलने दो। साइकिल के आगे लिखा लो ब्लूटूथ कि मुझे खुद से जुड़ना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, शरीर मजबूत रखेगी, बीपी नहीं बढ़ने देगी, शुगर नहीं होने देगी। अब साइकिल लेके नेशनल हाईवे पे मत चले, तुम चीजों को उल्टा लेके चले जाते हो। देखो अभी तुम्हारी समाज में यूटिलिटी नहीं है, अभी तुम मात्र एक छात्र हो, प्रतिस्पर्धी हो, कॉम्पिटिटर हो। होली आ रही है, कोई एक मिठाई खिलाने वाला तुमको नहीं है। और जाओ इस वक्त अफसरों के घरों पे, आईएएस पीसीएस मंत्री, हाँ, गुजिया पे गुजिया, मिठाई पे मिठाई आ रही चारों तरफ से, कोई खाने वाला भी नहीं है। जिनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, तो ये बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। साहब डाइट कॉन्शियस है, मैडम डाइटिंग कर रही है, कौन खाएगा मिठाई? कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा ने जॉन अब्राहम से पूछा कि एक मीठा खाने के लिए अगर आपको कोई 10,000 रुपए दे, उसने कहा नहीं खाऊंगा। बोले 10 लाख, बोले नहीं खाऊंगा। नियम है ये जीवन का नियम है, ये सब नियम है। यहां कोई किसी के लिए बिना मतलब को कुछ भी नहीं करता। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। जॉइन आवर न्यू ऑफलाइन बैच फॉर एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्रीकम मेंस एट इकरा आईएएस कानपुर, स्टार्ट्स फ्रॉम 4th मार्च। यू कैन आल्सो जॉइन आवर न्यू ऑनलाइन बैच एट ikraias.com।